हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टीडीएस रेट के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो क्या है टीडीएस का रेट, ये हम अभी डिटेल में जानेंगे। आपको सबसे पहले बता दूं कि नया टीडीएस रेट जो है, जो बजट में आया है, उसको भी मैंने कंसीडर किया है। और मेन रूप से आप ध्यान रखना है कि कोविड-19 के कारण जो टीडीएस का रेट कम कर दिया गया था, उसको अब फिर से अप्लीकेबल कर दिया गया। जो पहले आपका रेट था, वही रेट यहाँ पे अप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल से। मार्च तक गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि आप रेट में कुछ छूट दिया था, जैसे कि आप 94J में आप 10% टीडीएस का रेट था, लेकिन गवर्नमेंट ने 7.5% कर दिया था। तो ये मार्च 2021 तक था, लेकिन अब 1 अप्रैल से फिर से वही हो गया। कुछ सेक्शंस नए आए हैं, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, यानी 1 अप्रैल से जो भी आपके पास इनवॉइसेस आएंगे, उस पे जो टीडीएस आप काटोगे, वो इस रेट से काटना, रेट का ध्यान रखना। इस वीडियो में मैंने कलर कर रखा है, जो जो हाईलाइटेड किया हूं, उस सेक्शंस को हम अभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बाकी सेक्शंस को जानने के लिए आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो हम सबसे पहले अगर चर्चा करें सेक्शन 192, जो कि सैलरी का है। सैलरी का जो टीडीएस कटेगा, वो एज पर स्लैब रेट कटेगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया था, आपको याद हो कि एक दो दो स्लैब रेट आया था। एक आया था ओल्ड टैक्स स्लैब रेजिम और सेकेंड था नया वाला। तो यहाँ पे एक मैं एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो 1,50,000 सेक्शन 80C 80D, इन सब में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तब तो आप पुराना वाला स्लैब में चले जाओ। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो नया वाला स्लैब रेट लेना, नया टैक्स रिजीम लेना, जिसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस है सेक्शन 194A। यहाँ पे है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंक टाइम डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स। मतलब एक तो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट होता है, जिसका सेक्शन 193 होता है। हम चर्चा कर रहे हैं सेक्शन 194A के बारे में, जिसमें अदर देन सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जैसे आप RD वगैरह बैंक में करते हो, तो उसपे सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक का छूट दिया गया हुआ है और अदर लोगों को 40,000 तक का। और टैक्स रेट जो है इंडिविजुअल के लिए 10% है। और अगर आप पैन कार्ड आपके पास नहीं है, पैन अवेलेबल नहीं है, अगर आप सबमिट बैंक को नहीं करते हो, तो मैक्सिमम जो टैक्स का टीडीएस का रेट है, वो 20% जो है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसमें फॉर्म 15G 15H एप्लीकेबल है। आप बैंक में फॉर्म 15G है जो नॉन सीनियर सिटीजन है, और फॉर्म एच है 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए। ये आपको ध्यान। सैलरी के केस में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो 30% मैक्सिमम स्लैब रेट है टीडीएस का, तो 30% आपका कटेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, तो वो है सेक्शन 194B, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। जिसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो 10,000 तक अगर आपका इनकम आता है, तो ये आपके लिए टैक्स फ्री है। अदरवाइज आपको 30% टीडीएस लगेगा। और इसमें जो आपको है 30% इन केस ऑफ रेसिडेंस इंडियंस एंड डोमेस्टिक कंपनी, और 31.2% है अगर आप नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज हैं, तो उस केस में। नेक्स्ट हम करें 194BB, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस से जो अगर आपको इनकम आता है, तो उस इनकम में भी 10,000 तक का टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से एवव होने पे 30% कटेगा। और सेम सिचुएशन कंडीशन है डोमेस्टिक और फॉरेन के लिए, 30% डोमेस्टिक लिए और 31.2% फॉरेन कंपनी के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 194C। अभी तक आप ध्यान देना, सेक्शन 194C में आप 0.75 और 1.5 आप टीडीएस काट रहे थे, है ना, 31 मार्च तक। लेकिन अब पहले की तरह आपको जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे, अगर सिंगल पेमेंट 30,000 रुपए का बिल है और एग्रीगेट 1,00,000 रुपए तक का है,
तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 30,000 और 1 लाख हो गया और उससे ऊपर, तो इंडिविजुअल के केस में आप 1% और कंपनी के केस में 2% टीडीएस काटोगे। यानी जो अभी आप 0.75 काट रहे हो उसको अब फिर से 1% पहले की तरह 19-20 की तरह काटना, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की तरह। और जो अभी आप 1.5% टीडीएस काट रहे हो उसको अब आप 2% काटना, ठीक है। जो गाड़ी वाले होते हैं ना, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इंगेज इन प्लेइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, वेयर सच कॉन्ट्रैक्टर ओन्स 10 और लेस गुड्स कैरेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 10 ट्रक या 10 से कम है तो उसको नहीं कटना है। लेकिन टीडीएस नहीं काटने पे भी ना उनसे पैन कार्ड का ले लेना है, पैन कार्ड और एक डिक्लेरेशन फॉर्म उनसे लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सेक्शन 94C ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 94D, इंश्योरेंस कमीशन जो लोग पाते हैं उनके लिए मैं बता दूं, 15,000 रुपये तक का छूट है और उसके बाद इंडिविजुअल को 5% और कंपनी के केस में 10% का टीडीएस कटेगा। और 10% अगर डिडक्टी डोमेस्टिक कंपनी है तो अदर देन में 5% होगा। और साथ ही ध्यान रखना कि अगर आपको इन सारे केस में अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस कट जाएगा, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद सेक्शन 194DA है जो इसमें फॉल करते हुए वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन 194EE, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम में भी बहुत सारे लोग फंड लगाते हैं अपना सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर 2,500 रुपये तक आता है तो आपका टीडीएस नहीं लगेगा, उससे ऊपर होने के बाद 10% है एंड इन अब्सेंस ऑफ पैन कार्ड 20% हो जाएगा। रेसिडेंट इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी के लिए 10% है और नॉन रेसिडेंट्स के लिए 10+ सेस प्लस सर चार्जेज अगर कुछ है तो वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं सेक्शन 194H, कमीशन या ब्रोकरेज। आप कंपनी में बैठे हो, आप सेल्स के लिए कमीशन बेस पे भी आप काम करते हो, कोई सेल्स पर्सन को आप करते हो टारगेट देते हो कि इतना का आप सेल कर दो, 2 करोड़ का सेल कर दो तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। तो जो आप कमीशन दोगे ना उस पे आपको टीडीएस करना है सेक्शन 94H में। वहां पे अगर 15,000 तक का आप देते हो तो टीडीएस नहीं कटना है। 15,000 या 15,000 से ऊपर होने पे आपको 5% टीडीएस काटना है, ठीक है। अगर पेन नहीं अवेलेबल होता है तो आप वहां पे 20% टीडीएस काट लेना। सेक्शन 94I, 194I इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेंट के लिए बहुत जरूरी है सेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। रेंट पे आप दो चीज लेते हो, या तो आप लैंड या बिल्डिंग लेते हो या फिर प्लांट एंड मशीनरी लेते हो। बहुत सारी कंपनी में फोटो स्टेट की मशीन रेंट पे ली जाती है, फैक्ट्री खोलने के लिए बिल्डिंग रेंट पे ली जाती है। तो यहां ध्यान रखना, अगर 2,40,000 से कम आपका रेंट है तो टीडीएस नहीं कटना। अगर 2,40,000 से रेंट ज्यादा हो जाता है तो प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने रेंट पे लिए हो तो 2% टीडीएस काटना। और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर एंड फिटिंग्स वगैरह, आलमीरा लिया है रेंट पे, चेयर्स लिए हैं, टेबल्स लिए हैं, फोटोस्टेट मशीन लिए हैं या कोई भी प्रोडक्शन का मशीन आप रेंट पे लिए हो, उस केस में आप 2% टीडीएस काटना। और अगर आप लैंड और बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग लिए हो किराए पे तो वहां 10% काटना। ये आपको, ये सेक्शन में इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूं कि ये अधिकतर लोगों को यूज के लिए है। तो सीधा कंसेप्ट रखना, फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो मशीन वगैरह आएंगे या फोटो स्टेट की भी मशीन आएगी तो उस पे आप 2% काट लेना। और 10% का जो फंडा है वो आपको सीधा सा है कि अगर आप फैक्ट्री रेंट पे ले लिए हो, या आप सपोज करो कि फैक्ट्री तो है बट आप पार्किंग के लिए लैंड लेते हो, जो आपके स्टाफ आते हैं उनके पार्किंग के लिए, तो जब पार्किंग के लिए
लैंड को हायर करते हो रेंट पे आप, तो क्या करना, उस पे 10% टीडीएस काट लेना। फर्नीचर वगैरह लोगे, कुर्सी टेबल वगैरह, ये सब जरूरत तो नहीं होती है कंपनियों में, लेकिन कभी हो जाती है, या आपको अलमीरा वगैरह, तो उस केस में भी 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे आपको सिर्फ 2% ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें 94IB की बात करें, पेंट पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल्स और HUF नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या इंडिविजुअल है, अगर आप रेंट पे करते हो ना 50,000 रुपये या उससे अधिक, तो उस पे आपको टीडीएस जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 194J, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। सेक्शन 194J जो प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए दिया जाता है, आप लोग जो सीए वगैरह को पेमेंट करते हो ना, वकील वगैरह को, उस पे सीधा सीधा 10% टीडीएस काट लेना। अभी तक आप 31 मार्च 2021 तक के बिल पे 7.5% काटना, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से जो इनवॉइसेस आएंगे उन पे 10% टीडीएस काटना। इसमें भी ध्यान रखना, अगर कोई कॉल सेंटर वाला है तो मैं आपको इस पे डिटेल बता देता हूं, कॉल सेंटर वाले को 2% ही आपको टीडीएस काटना है, 10% नहीं काटना है। टेक्निकल सर्विस के लिए आपको 2% टीडीएस काटना है। प्रोफेशनल रॉयल्टी वेयर सच रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ, देखो यहाँ पे जो एक आप लोगों को मैं बताऊं, एग्जीबिशन होता है, ये कोई सिनेमा वाला ही नहीं है, इसमें मैं सिनेमा के साथ साथ आपको बता देता हूं, जो कई बार अगर आपकी एक्सपोज होता है ना, एक्सपो सेंटर, उसमें भी जो आप अपना कंपनी का एक्सपो लगता है, कंपनी का जो आपका एग्जीबिशन किया जाता है, जैसे कि अगर बुक्स के एग्जीबिशंस होते हैं, कार्स के एग्जीबिशंस होते हैं, आप जिस भी एरिया में हैं, मशीनरी का आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मशीन आप बनाते हैं, तो उसका भी एक्सपो सेंटर में जाके एग्जीबिशन लगता है, तो उस केस में आप 10% काट लेना। वहां पे क्या होता है कि कई बार ना एग्जीबिशन वालों से आपके साथ बहस हो जाएगी कि यार इस पे 2% कटना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको 10% काटना है। क्योंकि अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे 94IB आप उसका जगह भी तो यूज करते हो ना, प्लस प्रोफेशनल चीजें भी उसमें हो जाती हैं, तो इस केस में लैंड तो आप ले रहे हो ना, रेंट एक तरह से रेंट ही हो जाता है लैंड का, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन का, जितना दिन का भी होता है एग्जीबिशन, तो इस केस में 10% का टीडीएस आप काटना, और लिमिट इसका 30,000 तक रहता है। और जितने भी कंसल्टेंट आपके हैं, अकाउंटिंग कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इन सब का भी 10%। अभी तक आप 7.5 काट रहे थे। उसके बाद ये सारे सेक्शंस को मैं, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ज्यादा कंपनियों में यूज नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, और फिर भी अगर ये चाहिए आपको लिस्ट, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा ram83prakash@gmail.com पे, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। एक नया सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन 194N। सेक्शन 194 कैपिटल एन जो है कैश विड्रॉल का है, और इसमें चर्चा किया गया है कि जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, बहुत लोगों का सवाल होता था यार अगर ITR ना फाइल करूं तो क्या दिक्कत है। मैं रियल बताऊं, मैं अभी अपने घर गया हुआ था छठ पूजा में, मेरा एक फ्रेंड आया कहा यार मैं 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब इतना उसने फेंकता गया और मैं लपेटता गया, मतलब करोड़ों का मैं टेंडर लेता हूँ और ITR आज तक फाइल नहीं करता। मैं कहा भाई करता कैसे है तू? उसने कहा कि यार ये देख, अभी कल मेरे को एक अकाउंटेंट मिला और उसने अपन को 3 लाख रुपया
इनकम दिखाया और एक रुपया भी टैक्स नहीं बनने दिया। हमने उसे सजेशन दिया, सलाह दिया कि भाई 1,000 रुपया का भी तो टैक्स जमा कर दे। यार क्यों मैं करूं टैक्स जमा जब बनता ही नहीं है? तो अब मुझे वो फेंकता रहा और मैं लपेटता रहा। समझ में नहीं आया कि वो करोड़ रुपए का टेंडर ले रहा है और 3 लाख का ITR फाइल कर रहा है, यानी कि सारा का सारा ब्लैक मनी चल रहा है धंधा। अब देखो, अगर आप ITR, वो भी पहली बार ITR फाइल किया था, उसे ये भी नहीं पता कि ITR फाइल करना चाहिए। अब उसने क्या किया कि अगर ITR नहीं फाइल किया ना 3 साल तक, और अगर वो कम बैंक से 20 लाख रुपए का कैश विड्रॉ किया, तो भैया उसको 2% TDS लग जाएगा। बैंक 2% TDS काट लेगी अंडर सेक्शन 194 कैपिटल N के अंदर। पहली बात ध्यान रखना है। और अगर आप ITR फाइल करते हो तो 1 करोड़ रुपया तक निकालते हो ना, बिलो 1 करोड़ आपको TDS नहीं कटेगा। जब आप एक्सीड करोगे 1 करोड़ रुपी, तब जाके 2% TDS कटेगा, ये ध्यान रखना। और 5% अगर आप लास्ट 3 साल से आपने ITR फाइल नहीं किया और कैश विड्रॉल आप 1 करोड़ से ज्यादा कर लेते हो, तो आपके 5% TDS कट जाएगा। देखो कितना बड़ा सरकार ने कैश पे कंट्रोल करने के लिए टैक्स लगा दिया। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लाऊंगा और मैं बना रखा हूँ, जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और इससे रिलेटेड एक सेक्शन और है जो अभी हम नीचे चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा भी हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। अब जो ये सेक्शन है, दो सेक्शन, सेक्शन 194P TDS ऑन सीनियर सिटीजन एबव 75 ईयर्स, ये जो दो सेक्शंस हैं, एक 194P और एक सेक्शन 206 कैपिटल AB। ये सेक्शन 206 AB TDS ऑन नॉन फाइलर्स ऑफ ITR, ये और सेक्शन 194N, इस दोनों का रिलेशन है जो अभी मैं यहां ऊपर आपसे चर्चा किया था। इस सेक्शन का सेक्शन 194N और सेक्शन 206 कैपिटल AB का रिलेशन है, तो इसकी चर्चा मैं एक सेपरेट वीडियो में आपसे करूंगा। शॉर्ट डेफिनेशन मैंने 194N में आपको दे दिया, और एक डिटेल वीडियो मैं इस पे भी बना रहा हूँ सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए, इस पे भी हम चर्चा आपसे करेंगे। सेक्शन 194 कैपिटल P TDS ऑन सीनियर सिटीजन एबव 75 ईयर्स के लिए सरकार ने जो बजट में कहा था कि जो 75 साल से ऊपर के बंदे हैं उनको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, उस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। आप इसको रीड करने के लिए वीडियो रोक करके, पॉज करके आप देख सकते हो, इसे रीड कर सकते हो, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ये इम्पोर्टेंट था, जिसमें से आपको सबसे जरूरी सेक्शन, आपको तीन सेक्शन बहुत जरूरी होता है, सेक्शन 94C, 94J, 94 आपका I, जो कि ये तीन सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर व्यक्ति को इस सेक्शन की जरूरत होती है। एक सेक्शन 94J आपको प्रोफेशनल्स को, क्योंकि हर कंपनी में CA एडवोकेट्स को देना ही है, तो अब 10% से TDS आप इस पे काटिएगा। उसके बाद सेक्शन 94I, 94I रेंट का है, प्लांट एंड मशीनरी का होगा, तो 2,40,000 इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है और TDS आपको 2% काटना है। लैंड और बिल्डिंग का है, फर्नीचर फिटिंग है, तो 10% का काटना है। और 94C जो अभी आप काट रहे हो 1.5 एंड 0.75%, उसको अब फिर से इंडिविजुअल के केस में 1% और कंपनी के केस में 2% TDS काटना है। एक बिल, अगर सिंगल बिल 30,000 से ऊपर हो जाए तो, या साल में उस बंदे का 1 लाख रुपया से तक बिजनेस आपका होता है तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं, और अगर अभी आप तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, आपके लिए वीडियो लाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।